तो नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले विश्व की प्रमुख मानव जातियाँ और जनजातियों के विषय में। इनका राज, गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे विश्व की मानव प्रजातियाँ और जनजातियाँ, किस प्रकार से उनको उनको उनमें अंतर किया जाता है, किस प्रकार से उनको पहचाना जाता है, कौन कौन से कारक हैं, विभिन्न प्रजातियों के जो विशिष्ट लक्षण हैं वे क्या होते हैं मानव प्रजातियों के, उनको आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जगदीश त्रिपाठी, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। मानव प्रजातियां है ना, तो देखिए मानव प्रजातियां पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। इन जो ये जो विभाजन है समस्त जीवों का उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर, इस विभाजन को हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जाति या फिर स्पीसीज, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इस जो जैविक वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट जाति है जो बौद्धिक क्षमता के स्तर पर सारी जातियों में जितने भी जीव हैं उन सभी में मानव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बौद्धिक क्षमता के स्तर पर किसी जाति के उपवर्ग को क्या बोला जाता है, जैसे कि जो जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, तो किसी भी जाति के उपवर्ग को प्रजाति या रेस कहा जाता है। और प्रजाति शब्द जो है वो एक जैविक अवधारणा है जिसका अभिप्राय उस जीव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में अपने पूर्वजों से समानता रखता है। ठीक है, तो जो प्रजाति शब्द है ना, या जो प्रजाति शब्द है वो क्या है, एक जैविक अवधारणा है जिसका अभिप्राय क्या होता है, उस जीव वर्ग से है जिसका अभिप्राय उस जीव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में अपने पूर्वजों के समान हो। ठीक है, अर्थ तो हम कह सकते हैं कि मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है। अगर हम मानव प्रजाति की बात करते हैं तो वहां पर हम किसी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक प्राकृतिक वर्ग मतलब मानव प्रजाति जो मनुष्य उसकी बात करते हैं, ना कि किसी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ग की बात करते हैं, बल्कि प्राकृतिक वर्ग या एक नस्ल की बात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण, उसका वंशानुक्रम, उसके दो लक्षण और शारीरिक लक्षणों और वंशानुक्रम के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण जो होते हैं किसी भी मानव जाति में वो हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। और देखिए जो जाति भिन्नता के को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताए गए हैं यहाँ पर, जो जितने ही मनुष्य हैं उनके जो जाति भिन्नता है, तो उन जाति भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। मुख्य रूप से दो कारक यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कारक बताया गया है जलवायु जो परिवर्तन है वो, और दूसरा है ग्रंथिरस, मतलब जो मानव शरीर में पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव किया जाता है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का, तो उसके आधार पर भी मानवीय जाति को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जलवायुवी परिवर्तन और ग्रंथिरस, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स के द्वारा जिन हार्मोन्स का स्राव किया जाता है उन हार्मोन्स के आधार पर इनमें ये मानव की जो जातियाँ प्रजाति हैं उनको प्रभावित करती है। तो देखिए ग्रंथियों के अंतर्गत जो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और एड्रेनल ग्रंथि है, तो ये इनके इनसे जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं ये जो मानव प्रजाति भिन्नता को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं जानेंगे इसको। तो देखिए जलवायु जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से मानव में प्रजाति भिन्नता को प्रभावित करता है इसको जानते हैं। तो देखिए जलवायु जलवायु
जो परिवर्तन है वो कैसे मानव में जातीय भिन्नता को प्रभावित करते हैं, जान लेते हैं। देखिए, सामान्य जलवायु की दीर्घकालिक दशाओं में रहने के कारण प्रजातियों का एक विशिष्ट समूह विकसित हो जाता है। जैसे शीत प्रदेशों में जो लोग होते हैं वो श्वेत होते हैं, और भूमध्य रेखी या फिर उष्ण प्रदेशों में जो जैसे निग्राइट प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जो कि इनका कलर जो होता थोड़ा सा डार्क होता है। जलवायु परिवर्तन से प्रजातीय विशेषताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि जो मेस्टिजो का रंग जो होता है वो हल्का भूरा होता है। तो अब ये मेस्टिजो क्या होता है, ठीक है, देखिए मेस्टिजो क्या है, जो पुर्तगाली और जो अमेरिकी निवासियों के जो मिश्रित संतानें हैं, पुर्तगाली और अमेरिकी निवासी या अमेरिकी लोगों की जो मिश्रित संतानें होती हैं उनको सामूहिक रूप से हम मेस्टिजो बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वर्ण संकर, ठीक है। तो इनका रंग कैसा बताया गया है, भूरा होता है, ठीक है। अब जो दूसरा कारक था जो कि मानव प्रजातियों को प्रभावित करता है, तो वो था ग्रंथि रस या फिर जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि मानव शरीर में स्थित जो उपस्थित विभिन्न ग्रंथियों से या ग्लैंड से स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स हैं, वो भी मनुष्य की प्रजातियों को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। तो मानव प्रजातियों की त्वचा, बाल, आँखों और चेहरों आदि में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण क्या होता है, उनका कारण है मानव शरीर में पाई जाने वाली ये ग्रंथियां, ठीक है, इनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये ग्रंथियां जो होती हैं ये मानव की त्वचा, बाल, उनकी आंखें, उनके चेहरे की जो भिन्नता है उनको निर्धारित करने का कार्य करती हैं। इनके द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जिनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं इन ग्लैंड्स की, इन ग्रंथियों से जिन रासायनिक तत्वों का स्राव होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। प्रजाति परिवर्तन में तीन प्रकार की ग्रंथि रसों का प्रभाव होता है। जो प्रजाति, जो मनुष्य की जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनमें जो परिवर्तन विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग जो उनकी शारीरिक संरचना देखने को मिलती है, तो उन संरचनाओं में या उन संरचनात्मक जो भिन्नता देखने को मिलती है उस भिन्नता के लिए ये ग्लैंड्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं या ये जिम्मेदार होती हैं हम कह सकते हैं। जैसे कि सबसे जो पहली ग्लैंड है या पहली जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो पीयूष ग्रंथि है इसकी अधिक क्रियाशीलता के कारण जो काकेशियस या काकेशियन प्रजाति के लोग मतलब जो आपने देखा होगा जो यूरोपीय लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी लंबे कद के होते हैं, उनका चेहरा कैसा होता है, एकदम पतला होता है, काफ़ी लंबा सा चेहरा होता है, जो चिन होती है बड़ी एकदम लंबी सी होती है, नाक भी लंबी होती है, सुंदर नाक होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जब पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील होती है तो वो उस जिन मनुष्यों में अधिक क्रियाशील होती है पीयूष ग्रंथि उनमें क्या होती है, जैसे कि उसका कारण क्या इफेक्ट दिखते हैं मानव बॉडी में या किस प्रकार की जो प्रजाति होती है उनमें क्या इफेक्ट दिखते हैं जिन प्रजातियों में पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील होती है। जैसे जो काकेशियन मतलब जो यूरोपीय या फिर जो यूरोपीय लोग हैं, एक तरह से एग्जाम्पल देता हूँ यूरोपीय लोगों का भी, और साथ में आपने देखा होगा जो इराक ईरान पाकिस्तान और जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है मतलब पंजाब कह सकते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं तो वो इस प्रकार दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा लोगों लंबे हाइट होती है, हाइट अच्छी होती है, चेहरा लंबा होता है, नाक एकदम सुंदर नाक होती है उन लोगों की लंबी, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उन लोगों में पीयूष ग्रंथि क्या है, अधिक क्रियाशील होती है। तो कैसे होते हैं ये लोग, काकेशियन प्रजाति के लोग लंबे कद, भारी शरीर एवं सुडौल नाक मतलब एकदम सुंदर नाक, सुआकृति वाली नाक होती है, तथा बड़ी बड़ी ठूड़ी मतलब उनकी जो ठूड़ी होती है, जो चिन होती है वो एकदम बड़ी सी होती है, लंबी होती है, ठीक है, वाले होते हैं, जिससे इनकी छवि कैसी होती है, अत्यधिक सुंदर दिखाई देती है। ओके महकराज, बता दिया ना जगदीश त्रिपाठी, बता चुके हैं मेस्टिजो क्या है, बता दिया जगदीश त्रिपाठी। गुड इवनिंग गोविंद कुमार, नरेंद्र, राधे राधे,
एक सेकंड रुकिए जरा। ओके बिल्कुल कर सकते हो सिंगर रविंद्र। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। जिन्हें पीयूष ग्रंथि अधिक, जिस मानवीय प्रजाति में पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील होती है, जैसे कि काकेशियन प्रजाति या यूरोपीय प्रजाति के लोग बोल सकते हैं, जो इस प्रजाति के लोग आपको इराक, ईरान और पाकिस्तान और भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल जाएगा, मतलब पाकिस्तान भारत तक कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वहां पर देखने को मिलते हैं, मतलब जहां भी भाई यूरोप के उपनिवेश रहे हैं वहां पर आपको इस काकेशियन प्रजाति के लोग देखने को मिल जाते हैं। तो विशेषता क्या होती है, इन लोगों के हाइट अच्छी होती है, लंबे कद के होते हैं, भारी शरीर और सुडौल, मतलब एकदम सुंदर नाक बोल सकते हैं इसको हम, है ना, तो सुंदर दिखाई देने वाली नाक, मतलब लंबी नाक होती है इन लोगों में, बड़ी थोड़ी होती है, है ना, जिससे क्या होता है बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ये लोग। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इनमें पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, तो दूसरा जो ग्रंथि है जो कि तो देखिए इसका जो दूसरी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो इस ग्रंथि की जब थायराइड ग्रंथि जब निष्क्रिय होती है जिस प्रजाति के लोगों में, इस ग्रंथि की निष्क्रियता के कारण मंगोलाइड प्रजाति के लोग, मतलब जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं उनमें थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में निष्क्रिय होती है, इसलिए जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं उन लोगों के चेहरा कैसा होता है, चपटा, नाक दबी हुई और ललाट, मतलब जो माथा होता है उनका वो कैसा होता है, छोटा और उभार लिए हुए होता है मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का। कारण क्या है, जो मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग हैं उनका चेहरा चपटा, नाक दबी हुई, ललाट मतलब जो माथा है वो उभार लिए हुए है और छोटे, मतलब काफ़ी छोटा माथा होता है उनका। क्यों, कारण क्या है उसका, क्योंकि उन लोगों में, मंगोलाइड प्रजाति के लोगों में थायराइड जो ग्लैंड है वो कैसी है, बहुत कम मात्रा में क्रियाशील है, या फिर हम उसको बोलते हैं निष्क्रियता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की। और एड्रेनल ग्रंथि जो है, एड्रेनल ग्रंथि, तो ये ग्रंथि त्वचा के रंग को प्रभावित करती है, मतलब इससे जो होने वाला स्राव होता है हार्मोन्स का एड्रेनल ग्लैंड से, वो विभिन्न प्रजाति के लोगों में उनकी स्किन का जो कलर है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, तो देखिए प्रजाति निर्धारण के जो शारीरिक लक्षण हैं, मतलब जो विभिन्न प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम काकेशियन लोगों की बात करें तो उनका अलग होगा, मंगोलाइड का अलग होगा, नेग्रो जो नेग्रेटो लोग होंगे या जो नेग्रो लोग होंगे उनका जो शारीरिक लक्षण है वो भिन्न है। तो अब वो उसके आधार पर किस प्रकार से जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियां हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सामान्यता जो प्रजाति का निर्धारण होता है वो बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों के आधार पर होता है। जो प्रजातियों का निर्धारण होता है वो बाह्य, मतलब बाहरी लक्षण और आंतरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का, इनके आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है प्रजातियों का। देखिए जो बाह्य लक्षण है, बाह्य लक्षणों के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे कि त्वचा का रंग हो गया, बालों की बनावट हो गई, शारीरिक लंबाई, मतलब हाइट कैसी है किस प्रजाति के लोगों की। ठीक है, मुख, जो मुख है, चेहरा है, उसकी आकृति हो गई, नेत्र की, आंखों की जो पुतलियां हैं वे किस प्रकार की हैं, मतलब एकदम गोल हैं या फिर बादाम की तरह कटीली है। ठीक है, तो उस नेत्र की पुतलियों का और रंग भी हो गया। ठीक है, एवं रंग, आकृति नेत्र की पुतलियों की, होठों की जो उनके आकार है, और कान एवं ठुड्डी, मतलब जो चिन्ह है कान और ठुड्डी की आकृतियां आदि को शामिल किया जाता है। इस आधार पर प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है बाह्य आधार पर। ठीक है, अभी हमने देखा बाह्य लक्षण क्या होते हैं, मतलब जो प्रजातियों को निर्धारण के जो बाह्य लक्षण है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, त्वचा का रंग हो गया, बालों की बनावट, शारीरिक लंबाई, मुख चेहरे की आकृति, नेत्रों की पुतलियों का रंग एवं पुतली की आकृति, होठों का आकार, कान और ठुड्डी मतलब चिन्ह की आकृति आदि को शामिल किया जाता है बाह्य लक्षणों में प्रजातियों के निर्धारण के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जबकि जो आंतरिक लक्षण होते हैं, तो देखिए आंतरिक लक्षण कौन से होते हैं जिनके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है या विभाजन किया जाता है, तो देखिए आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत जो सिर की बनावट होती है, जो सर है, हेड है, इसकी बनावट, ठीक है,
कपाल सूचकांक, अभी जानेंगे हम सब कपाल सूचकांक कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, ठीक है। सिर की बनावट, कपाल सूचकांक, कपाल धारिता क्या होती है इसको भी जानेंगे अभी हम, ठीक है। इसके बाद नासिका सूचकांक, मतलब जो नाक है, नाक का सूचकांक, ठीक है। रक्त समूह को सब, और इसका रक्त ब्लड ग्रुप को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसके आधार पर, मतलब बाह्य कारक और आंतरिक लक्षण, मतलब बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षणों के आधार पर जितनी मानव प्रजातियां हैं इनका वर्गीकरण किया जाता है या फिर इनका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। नरेंद्र, अच्छा, ऋतु चैप्टर का नाम है विश्व की मानव प्रजातियां और जनजातियां, ठीक है, विश्व की मानव प्रजातियां और जनजातियां। अरविंद कुमार प्रणाम। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। प्रजातियों का निर्धारण के दो कारक बताए गए हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारकों के अंतर्गत हमने देखा, बाह्य कारक मतलब जिसके आधार पर प्रजातियों का मानवीय मानव जो मनुष्य प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो बाह्य कारकों में क्या क्या कारक देखे हमने, बाह्य कारकों में हमने देखा त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक लंबाई, मुख की, चेहरे की आकृति, नेत्रों की पुतलियों का रंग एवं आकृति, होठों का आकार, कान और ठुड्डी की आकृति मतलब चिन्ह की आकृति आदि को शामिल किया जाता है बाह्य लक्षणों में प्रजातियों के वर्गीकरण या निर्धारण के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है, दो आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है, प्रजातियों का निर्धारण बाह्य और आंतरिक। अभी हमने बाह्य देखे, अब देखते हैं आंतरिक लक्षण कौन कौन से थे। तो आंतरिक लक्षण थे सिर की बनावट, कपाल सूचकांक, जानेंगे क्या होता है कपाल सूचकांक, कपाल धारिता, तो ये भी जानेंगे कपाल धारिता क्या होती है, नासिका सूचकांक मतलब जो नाक है उसकी आकृति, मतलब नाक की लंबाई और चौड़ाई इंटू 100 करके निकाला जाता है नासिका सूचकांक, ठीक है, नासिका सूचकांक को भी जानेंगे। रक्त समूह को भी सम्मिलित किया जाता है आंतरिक लक्षणों में, ठीक है, प्रजातियों के निर्धारण के लिए। सो क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। देखिए, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। वैसे तो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल और लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता है, लेकिन अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपनी डेडिकेटेड तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसमें अनअकैडमी आपकी काफ़ी सारे आयाम में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलती हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस का। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना होता है। 100 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स आपको प्लस पर पढ़ाते हैं, इंडिया के बेस्ट एंड टॉप एजुकेटर्स प्लस पर आपको पढ़ाते हैं। प्लस में मिलती हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस, इस सब का शेड्यूल आपको यहाँ पर मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन की एक साल की फीस 49,500 रुपये है, दो साल की 72,000 रुपये, तीन साल की 90,000 रुपये। राणा 10 रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिससे आपकी एक साल की फीस 44,550, दो साल की 64,800, तीन साल की 81,000 रुपये हो जाती है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए आइकॉनिक में मिलते हैं आपको पर्सनल कोच, डेली मेल से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक आपको यहाँ पर मिलता है। राणा 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगला कॉम्बैट जो कि प्रत्येक दो हफ्ते में होता है, 7 फरवरी को होने वाला है, सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट होगा। इसमें आपको एनरोल करना है, फ्री है आप सभी के लिए, अपने ज्ञान का परीक्षण करिए और काफ़ी सारे प्राइजेज हैं यहाँ पर जिनको आप जीत सकते हैं। राणा 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है फ्री कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए भी, और प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या कोई भी अन्य सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी पर, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो देखिए, प्रजाति निर्धारण के जो शारीरिक लक्षण हैं उनको जान लेते हैं।
देखिए, प्रजाति निर्धारण के कुछ शारीरिक लक्षण, जैसे कि बाह्य लक्षणों के आधार पर प्रजाति को निर्धारण किया जाता है, और जो आंतरिक लक्षण, जैसे कि पहले मैंने देखा था, तो बाह्य लक्षणों में क्या थे, त्वचा का रंग था, ठीक है, बालों की बनावट थी, शारीरिक लंबाई, मुख आकृति मतलब मुखाकृति मतलब चेहरे की आकृति, होठों का आकार, आंखों का रंग और बनावट, और जो आंतरिक लक्षण थे उसके अंतर्गत आ जाता है सिर की बनावट, कपाल सूचकांक, कपाल की क्षमता एवं धारिता क्या होती है जानेंगे, नासिका सूचकांक और रक्त समूह ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो देखिए, मानव प्रजातियों के प्रमुख शारीरिक लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि त्वचा का रंग, तो जो कॉकेशियन प्रजाति के लोग होते हैं, गोरे वर्ण के जो लोग होते हैं, यूरोपीय लोग जो होते हैं, ठीक है, तो इनका इनका जो त्वचा का रंग कैसा होगा, हल्का पीला, लाल, सफेद से लेकर हल्का भूरा एवं कहीं कहीं गहरा काला रंग भी देखने को मिलता है। मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला सा, पीले से गहरा पीला तथा लाल रंग का सम्मिश्रण देखने को मिलता है मंगोलाइड प्रजाति के त्वचा के रंग में। जो निग्रोइड प्रजाति के लोग होते हैं या फिर श्याम वर्णी जो लोग होते हैं, निग्रोइड प्रजाति के लोग कैसे होते हैं, इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, भूरे से गहरा तथा कुछ में अत्यंत काला रंग भी देखने को मिलता है। ये रंग या बाहरी लक्षणों के आधार पर विभाजन किया जाता है, बाहरी लक्षणों में पहला लक्षण त्वचा का रंग, ठीक है। दूसरा जो बाहरी लक्षण है, वो है कद, हाइट, ठीक है। तो जो कॉकेशियन प्रजाति के लोग होते हैं उनकी हाइट कैसी होती है, मध्यम से लंबी हाइट के लोग या काफी लंबी हाइट के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं कॉकेशियन प्रजाति में। इसके बाद जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं वो छोटा छोटी हाइट के होते हैं, कहीं कहीं पर मध्यम हाइट होती है लेकिन लंबे नहीं होते ये लोग। इसका जो नेग्रोइड्स लोग होते हैं, नेग्रोइड प्रजाति के लोग, वे कैसे होते हैं, लंबा तथा कुछ लोग कैसे होते हैं, मध्यम आकृति के होते हैं। मतलब ज्यादातर लोग नेग्रोइड में लंबे मिलते हैं लेकिन कुछ लोग मध्यम आकृति के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मंगोलाइड मैक्सिमम मध्यम और छोटी आकृति के या छोटी हाइट के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब सिर के आकार के आधार पर इनका विभाजन देख लेते हैं। तो देखिए, सिर के आधार पर भाग्यश्री चौधरी, गुड इवनिंग नेहा, जगदीश त्रिपाठी, ठीक है। तो देखिए, सिर के आकार के आधार पर जो प्रजाति ये लोग हैं कॉकेशियन प्रजाति के लोग, तो वह कैसे होते हैं, इनका सिर कैसा होता है, लंबा होता है, चौड़ा तथा छोटा होता है, परंतु किसी किसी में ये अत्यधिक उभरा हुआ भी होता है कॉकेशियन प्रजाति में। लेकिन मंगोलाइड प्रजाति में सिर के आकार कैसा होता है, ऊंचा, विशेषकर चौड़ा तथा निम्न भी होता है। लेकिन जो निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं इनका सर लंबा ऊंचा किंतु कुछ में मध्यम आकार का भी होता है, चेहरे के आधार पर विभाजन। तो देखिए, कॉकेसस प्रजाति के लोग या यूरोपीय लोग जो होते हैं उनके सकरे चेहरे मतलब पतले चेहरे होते हैं, पतले से मध्यम चेहरे होते हैं, मतलब ज्यादा चौड़े चेहरे इन्हें देखने को नहीं मिलते हैं। और जो कॉकेसस प्रजाति के लोग होते हैं इनका जबड़ा अधिक मुड़ा हुआ नहीं होता, और लेकिन जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं ये मध्यम एवं गोलाकार चेहरा के लोग होते हैं। जो इन्हें गाल की हड्डियां होती हैं मंगोलाइड लोगों की, ये जो हड्डियां होती हैं गाल की, ये कैसी होती हैं, अधिक उभरी हुई होती हैं, गोल चेहरा होता है, ठीक है। और जो निग्रोइड प्रजाति के लोग होते हैं इनका चेहरा मध्यम लंबा तथा छोटा, इनमें जबड़ा उभरा हुआ जैसे मंगोलाइड प्रजाति में होता है, वैसे जबड़ा इनका निग्रोइड का भी उभरा हुआ होता है, दांत बाहर की ओर निकले होते हैं। बाल कैसे होते हैं, तो देखिए, सिर के बाल जो कॉकेशियन प्रजाति है इनके, इन लोगों के सर के बाल कैसे होते हैं, भूरे काले या फिर रचना में कोमल होते हैं, भूरे और भूरे काले बाल होते हैं कॉकेशियन या गोरे लोगों के बाल, ठीक है। सीधे होते हैं, कभी कभी घुंघराले तथा सुनहरे जो शरीर पर बाल होते हैं वो भूरे रंग के बाल होते हैं। लेकिन जो मंगोलाइड प्रजाति होते हैं इनके सर के बाल कैसे होते हैं, इनके सर के मंगोलाइड प्रजाति के लोगों के सर के बाल काले होते हैं, काला भूरा सीधे बाल होते हैं और मोटे होते हैं बाल, ठीक है। शरीर पर रोए जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कॉकेशियन लोगों में इनके जो शरीर के छोटे छोटे बाल होते हैं रोए, इनको बोला जाता है रोम बोला जाता है, वो कैसे होते हैं, भूरे होते हैं, लेकिन मंगोलाइट में रोम बहुत कम पाए जाते हैं।
निग्रोइड में सिर के बाल कैसे होते हैं? सिर के बालों का रंग भूरा तथा काला होता है, अधिकतर घने और गुच्छेदार बाल होते हैं निग्रोइड में, शरीर पर सीधे रोएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आंखों के विषय में बात कर ली जाए, तीनों प्रजाति में क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, कॉकेशस प्रजाति की आंखों का रंग कैसा होता है? हल्का नीला, हल्का नीला हो सकता है, हरा हो सकता है, हल्का हरके हरे से थोड़ा भूरा टाइप का भी हो सकता है। किसी किसी में बादाम सदृश आंखें मिलती हैं, मतलब जो बादाम के आकार की आंखें भी देखने को मिलती हैं कॉकेशियर लोगों में। और जो मंगोलाइट लोग हैं, इनकी आंखों का रंग कैसा होता है? भूरे से गहरे भूरे तक होता है। इनके आंतरिक भाग आंख पर एक मोड़ होता है जो बादाम की आकृति से अधिक समानता रखता है। इसी के साथ में इनकी जो निग्रोइड्स हैं, इनकी आंखों का रंग भूरे से अधिक काला होता है। इनकी आंखों पर क्षैतिज रूप से मोड़ एवं मुख्य रूप से इनमें मोड़ मिलते हैं आंखों में। नाक कैसी होती है? तो कॉकेशियन लोगों की नाक हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लंबी होती है, परंतु इसकी हड्डी लंबी एवं पतली होती है इन कॉकेशियन लोगों की नाक। और मंगोलॉइड लोगों की नाक कैसी होती है? नाक की हड्डी मुख्यतः निम्न एवं मध्यम, किंतु नाक की आकृति अधिक चौड़ी होती है। और जो निग्रोइड लोग हैं, इनकी नाक कैसी होती है? इनके नाक की हड्डी निम्न तथा नाक का जो अग्र भाग होता है, जिसको नथुना बोलते हैं, नथुने कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। होठों का आकार, तो कॉकेशियन लोगों के होंठ पतले होते हैं, मंगोलाइट लोगों के जो होंठ होते हैं वो मध्यम से मोटे होते हैं, लेकिन जो निग्रोइड लोग होते हैं इनके होंठ सामान्यतः मोटे ही होते हैं। ठीक है, बनावट, तो कॉकेशियन लोगों का जो बनावट है वो लंबा कद, शरीर का ऊपरी भाग सुडौल होता है, और मंगोलाइड लोग, इनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो कैसे होती है? बृहद एवं सुडौल, गोल मटोल से होते हैं मंगोलाइड लोग। जो सुदृढ़ होते हैं, इनमें मांसपेशियों का विकास अधिक होता है मंगोलाइड लोगों में, लेकिन जो निग्रोइड लोग होते हैं, इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? छोटी मांसपेशियों युक्त होती है, शरीर कैसा होता है? सुडौल होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रजातियों के निर्धारण के जो बाह्य लक्षण है, जैसा कि हमने देखा पहला लक्षण था, बाह्य लक्षण में त्वचा था, तो त्वचा को समझते हैं जिसके आधार पर इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, जो त्वचा का रंग, त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, मानव जातियों की त्वचा का रंग, त्वचा के रंग पर जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो ठंडी इलाकों के लोग होंगे, ठंडे भाग में रहते हैं, उनकी त्वचा का रंग सामान्यतः गोरा होता है, लेकिन जो भूमध्य सागरी लोग होते हैं, भूमध्य सागरी इलाकों में जो लोग रहते हैं जहाँ पर तापमान अधिक होता है, उन उस क्षेत्र के लोगों का रंग कैसा होता है? ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, तो त्वचा पर जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कुछ विशिष्ट शारीरिक पदार्थों एवं द्रव्यों से भी त्वचा का रंग प्रभावित होता है। त्वचा का रंग की दृष्टि से विश्व में मानवों को बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। त्वचा के रंग के आधार पर विश्व के मानवों में बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। मनुष्य की त्वचा में मेलानिन और कैरोटिन अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम अथवा अधिक होने के कारण त्वचा का रंग काला, पीला या सफेद या श्वेत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार त्वचा के रंगों के आधार पर प्रजातियों को श्वेत मतलब गोरे लोग, पीत मतलब पीले जैसे कि मंगोलाइड होते हैं, और काले वर्ग जैसे कि निग्रेटो लोग होते हैं, उसमें बांटा गया है। मतलब त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की जितनी प्रजातियां हैं मनुष्य की, उनको तीन भागों में बांटा गया है, श्वेत, पीत मतलब पीले और काले वर्ग में इनको रखा गया है। ठीक है, स्किन के कलर के आधार पर। ठीक है, और जो स्किन का कलर होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो मेलानिन की मात्रा पर, कैरोटिन की मात्रा पर और हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करता है स्किन का कलर किसी भी प्रजाति में। ठीक है, तो देखिए, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन की अधिकता से त्वचा का रंग कैसा होता है? जब किसी मनुष्य में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है तो उसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? उसका त्वचा का रंग होता है काला या गहरा भूरा होता है मेलानिन की मात्रा अधिक होने के कारण, जबकि कैरेटिन की अधिकता से त्वचा का रंग पीला तथा जब हीमोग्लोबिन की मात्रा या अधिक होती है शरीर में तो त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत या गोरा होता है। अपना झा गुड इवनिंग, गणेश कुमार गुड इवनिंग।
तो देखिए, त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण जैसे वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि जो श्वेत त्वचा या गौर वर्ण के जो लोग होते हैं वो कॉकेशियन प्रजाति के होते हैं, निवासी यूरोप, अधिकांशतः पश्चिमी रूस, एशियाई अफ्रीकी पॉलिनेशिया और एवं भूमध्य सागरी जो यहाँ पर भी गौर वर्ण के लोग देखने को मिलते हैं। इनका निवास स्थल जो है पश्चिमी यूरोप, मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका। इसका जो पीत त्वचा या पीली त्वचा वाले जो लोग होते हैं, पीले वर्ण के जो लोग होते हैं, जो मुख्य रूप से मंगोलाइड होते हैं, मंगोल, एशियावासी, कुछ अमेरिंड, और मुख्य निवास स्थान जो इनका है वो एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में होता है। श्याम त्वचा या मतलब जो डार्क कलर के लोग होते हैं, श्याम त्वचा या श्याम वर्ण के जो लोग होते हैं मुख्य रूप से निग्रॉइड होते हैं, और विषुवत रेखीय अफ्रीका, निग्रो, पापुआ न्यू गिनी, मेलेनेशिया, पूरा द्रविड़ और ऑस्ट्रेलियाई लोग होते हैं, ये इनकी त्वचा का रंग श्याम या श्याम वर्ण का होता है। मध्य अफ्रीका, पूर्वी द्वीप समूह, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीप समूह में ये निवास करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बाह्य आधार पर वर्गीकरण किया गया था, वो था दूसरा उसका पॉइंट है, वो है बालों की बनावट के आधार पर मनुष्य प्रजातियों का, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए, जो एक ठीक है, तो हेडन की मानवता, हेडन कौन है, एक मानव शास्त्री है, हेडन जो इन्होंने एक मानता है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। तो हेडन की मानवता है कि बालों की बनावट जो है वो प्रजाति के वंशानुक्रम में निरंतर एक जैसी रहती है, मतलब जो जो मूल पुरुष है जिससे उससे वंश से उत्पन्न जो भी आगे की उसकी पीढ़ियां हैं, तो उन सभी में लगभग जो बालों की जो बनावट है वो संभवतः लगभग एक जैसी ही रहती है वंशानुक्रम में, ऐसा मानते हैं हेडन। ठीक है, मानव शास्त्री है ये, और उस पर जो बालों की बनावट है, बालों की बनावट पर उस पर आयु, लिंग, जलवायु और भोजन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा हेडन का मानना है। ठीक है, तो देखिए, बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार के बाल किस प्रजाति में पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो जो सीधे बाल होते हैं, सीधे बाल कहाँ पाए जाते हैं, मंगोलाइड प्रजाति में, और जो घुंघराले बाल होते हैं, घुंघराले बाल पाए जाते हैं कॉकेशियाइट जो प्रजाति है उसमें, और जो ऊन जैसे बाल हैं, आपने देखा होगा निग्रोइड लोग होते हैं, उनके जो बाल होते हैं तो ऊन की तरह घूमे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो ऊन जैसे बाल हैं वो पाए जाते हैं निग्रोइड प्रजाति में। ठीक है, इसके बाद शरीर की लंबाई के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, तो ये बाह्य कारक में से ही तीसरा पॉइंट है, शारीरिक लंबाई। तो यद्यपि जो मनुष्य की लंबाई है वो भोजन की गुणवत्ता तथा उसकी मात्रा पर अधिक निर्भर करती है, परंतु ये वंशानुक्रम जनित लक्षण भी है, हाइट, लंबाई मनुष्य की। ठीक है, तो जो कापिनाई नामक एक मानव शास्त्री है, इनके अनुसार साधारणतः मानव का औसत कद जो होता है वो कितना होता है, 163 सेंटीमीटर होता है। कौन बोल रहे हैं ऐसा, टॉपी नाई नामक एक मानव शास्त्री हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि साधारणतः जो मनुष्य है उसकी जो औसत हाइट है, औसत कद है, वो कितना है, 163 सेंटीमीटर होता है, मतलब लगभग मान लीजिए चलिए 5 फुट 5-6 इंच के लगभग। ठीक है, तो इतनी औसत हाइट बताई गई है टॉपिनाई के अकॉर्डिंग। शारीरिक लंबाई के आधार पर मानव चार प्रकार के होते हैं, मतलब जो हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग मनुष्य की जो प्रजातियां हैं उनको चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि नाटा कद, मतलब बहुत छोटी हाइट के लोग, मतलब 160 सेंटीमीटर से कम, मतलब लगभग 5 फुट 2-3 इंच की जिनकी हाइट रहती है सामान्यता, तो देखिए इसको बोला गया नाटा कद। तो इस कद के लोग, जो नाटे कद के लोग होते हैं, इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर लगभग 5 फुट 2-3 इंच के लगभग, ठीक है, तो होती है, तो वो किस प्रजाति के लोग होते हैं, उनको बांटा गया है पिग्मी, वेद्दा, लैप्स और सकाई प्रजातियों में इनको विभाजित किया गया है। इसके बाद जो मध्य या मझला कद के लोग होते हैं, जिनकी आकृति, जिनकी जो हाइट होती है सामान्यतः 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, मतलब वो एक 5 फुट 4-5 इंच इतना मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मध्यम मझला कद के लोग जो होते हैं, तो इस आधार पे जो खिरगीज प्रजाति है इसको विभाजन किया गया है, इस प्रजाति के लोग लगभग इस मध्यम हाइट के होते हैं। लंबे कद के लोग,
ठीक है, 165 से मतलब 5 फुट 4-5 इंच से लेकर लगभग 6 फिट तक के, 6 फिट से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये, जिनको लंबा कद बोला गया है, तो 165 से 70 सेंटीमीटर तक की हाइट वाले लोग जो होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग इतने लंबे कद के होते हैं। अधिक लंबा कद मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, मतलब 5 फुट 8 से 6 फुट 6.5 फुट और 7 फुट, इतनी लंबी हाइट के लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? निग्रॉइड। तो इस लंबाई के आधार पर मानव प्रजाति को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक में पिग्मी, वेद्दा, लेप्स और सकाई, जिसका खिरगीज, उसके बाद लंबे कद के लोग ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी, और अधिक लंबे कद के लोग मतलब जो लगभग इनकी औसत हाइट ही 6 फिट होती है, तो उसमें रखा गया है निग्रॉइड प्रजाति को। ठीक है, तो देखिए इसका जो मुखाकृति है, मतलब जो चेहरे की आकृति के आधार पर जो प्रजातियों का विभाजन किया गया है, देखिए तो देखिए हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे की बनावट से उसकी प्रजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चेहरे का लंबा अथवा चेहरा लंबा अथवा चौड़ा होता है, थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई अथवा अंदर की ओर बैठी हुई हो सकती है। सामान्यतः जो मंगोलिया, चीनी तथा पोलैंड के लोगों के चेहरे कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, जबकि स्कैंडिनेवियन मतलब जो यूरोप का जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, वहाँ के जो निवासी होते हैं स्कैंडिनेवियन अथवा नाइलोटिक अफ्रीकन के चेहरे कैसे होते हैं? संकीर्ण होते हैं, मतलब पतले चेहरे होते हैं यहाँ के लोगों के। तो चेहरे के आधार पर भी हम किसी व्यक्ति के उसकी प्रजाति से किस प्रजाति से संबंध रखता है उसका भी अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। होठों के आकार के आधार पर भी, ठीक है, देखिए जो निग्रॉइड्स लोग होते हैं, निग्रॉइड्स लोगों में तथा पश्चिमी अफ्रीकी लोगों में झिल्ली का अंश बहुत मोटा होता है। इस झिल्ली का अंश फूला हुआ तथा बाहर की ओर उभरा होता है, जिससे जो निग्रॉइड्स लोग होते हैं, निग्रॉइड्स लोगों के होठ कैसे होते हैं? बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, अन्य लोगों के होठ बहुत छोटे होते हैं निग्रोइड लोगों की तुलना में। आंखों के रंग और बनावट के आधार पर भी प्रजातियों का विभाजन किया गया है या किया जा सकता है। देखिए अधिकांश मानव प्रजातियों में आंखों की पुतलियों का रंग कैसा होता है? काला होता है, किंतु फिर भी आंख की पुतली के रंग में कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कॉकेशियन प्रजाति, यूरोपीय और अमेरिकी लोग जो होते हैं, ठीक है, उनकी आंखों का रंग कैसा होता है? नीला होता है, हरा होता है और भूरा होता है, किंतु जो भारतीयों की आंखें सामान्यतः कैसी होती हैं? काली होती हैं, मतलब एकदम ब्लैक नहीं होती, थोड़ा डार्क शेड होता है इनका, ठीक है। तो प्रजातियों की निर्धारण के जो आंतरिक लक्षण है, अभी जितने भी लक्षण देखे हमने वो कौन से थे? प्रजातियों के निर्धारण के बाह्य लक्षण, मतलब जो बाहर से ही दिखाई देते हैं दिखने पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रजातियों के निर्धारण के जो आंतरिक लक्षण है वे कौन कौन से हैं। तो जैसे सिर की आकृति, ठीक है, तो देखिए मानव जाति को विभिन्न प्रजातियों में विभाजित करने के लिए जो सबसे मानक तरीका है उसको, वो सिर की आकृति को ही माना जाता है, क्योंकि इसकी गणना क्या होती है? बहुत आसान होती है सिर की, और जो सिर की आकृति होती है किसी प्रजाति में वो स्थिर सूचकांक उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर की आकृति जल्दी परिवर्तित नहीं होती। मान लीजिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी अगर मानव जो एक किसी प्रजाति में उसके शारीरिक परिवर्तन आने भी लगते हैं अन्य शरीरों में, लेकिन जो सर की आकृति होती है वो सामान्यतः जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए जो आंतरिक कारकों में सिर की आकृति को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा है कपाल सूचकांक। तो देखिए कपाल सूचकांक क्या होता है? ये सिर के आकार को निर्धारित करती है। कपाल सूचकांक मतलब जो विभिन्न प्रजातियों में उनके सर के जो आकार होते हैं उसको निर्धारित किया जाता है यहाँ पर, और कपाल की धारिता,
है, कपाल की धारिता कैसे नापी जाती है इसमें, ये जो कपाल होते हैं विभिन्न प्रजातियों के लोगों के, तो इन कपाल के अंदर सरसों और पानी को भरकर, ठीक है, उस मतलब किस प्रजाति के लोग के कपाल, लोगों के कपाल में कितना पानी आ सकता है, उस आधार पर इन कपालों की धारिता को मापा जाता है, ठीक है। और जो इसका जो कपाल सूचकांक है वो कैसे निकाला जाता है, तो देखिए कपाल सूचकांक कैसे निकाला जाएगा, कपाल सूचकांक बराबर मतलब कपाल मतलब जो सिर होता है, सिर को बोलते हैं कपाल, ठीक है। तो सिर की चौड़ाई और सिर की लंबाई × 100, तो इस प्रकार निकाला जाता है कपाल सूचकांक, ठीक है। और धारिता कैसे निकाली जाती है इसकी, जो कपाल होते हैं उसमें सरसों या फिर पानी को भर के प्रत्येक प्रजाति में ये जो कपाल की धारिता है उसको यहाँ पर नापा जाता है, ठीक है। तो कपाल की क्षमता या धारिता, तो देखिए क्या होता है, कपाल की धारिता भी प्रजातियों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, मतलब किस प्रजाति के कपाल की जो धारिता है उसमें जो पानी वगैरह भर के उसको नापा जाता है, पानी या सरसों वगैरह भर के उसको नापा जाता है, किस व्यक्ति के कपाल में या किस प्रजाति के कपाल में की धारिता कितनी है, ठीक है, या क्षमता कितनी है, ठीक है। तो इस आधार पर हम बात करें तो जो यूरोपीय पुरुष होते हैं, तो यूरोपीय पुरुष के कपाल की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, वो होती है यूरोपीय पुरुष के कपाल की धारिता 1450 cc, मतलब 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है यूरोपीय पुरुष की, ठीक है। लेकिन जो यूरोपीय महिला है उसके कपाल की धारिता मतलब उसमें जो पानी की मात्रा है या किसी अन्य पदार्थ की मात्रा है वो कितनी उसमें भरी जा सकती है उसे कंकाल में, ठीक है। ठीक है, इसका जो यूरोपीय महिला है, स्त्रियां हैं, उनके जो कपाल की धारिता है होती है वो लगभग 1300 cc, मतलब 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा साधारणता जो मनुष्य है, जितने ही मनुष्य हैं, तो उनकी जो कपाल की धारिता वो 1100 cc से लेकर 1500 cc के बीच में हो सकती है। जितने ही मनुष्य हैं, जितनी मनुष्य मानवीय प्रजातियां हैं, उनके जो कपाल की धारिता है वो 1100 cc से लेकर 1500 cc तक हो सकती है। और अगर हम बात करें सबसे कम कपाल की धारिता किसकी होती है या सबसे अधिक किसकी होती है, तो निग्रो जो निग्रोइड लोग होते हैं, निग्रोइड प्रजाति की कपाल धारिता कम होती है, और जो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की कपाल धारिता कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। कपाल धारिता कैसे निकाली जाती है वो आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला जो है वो नासिका सूचकांक है, मतलब नाक का जो सूचकांक निकाला जाता है, क्योंकि देखिए जो प्रजाति के निर्धारण में नाक भी महत्वपूर्ण जो एक तत्व मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने अगर बात की कॉकेशियन लोग, तो उनकी नाक लंबी होती है ना, सुंदर नाक होती है, लेकिन जो मंगोलाइड लोग होते हैं उनकी नाक कैसी होती है, चपटी होती है ना। और जो निग्रोइड लोग होते हैं उनकी नाक कैसी होती है, उनके जो नथुने होते हैं काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर नाक के सूचकांक, नासिका सूचकांक के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब नासिका सूचकांक कैसे निकाला जाता है, तो सेम वैसा ही जैसे हमने कपाल सूचकांक निकाला था, नासिका मतलब नाक की लंबाई, सॉरी नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई, × 100, ठीक है। इस प्रकार से निकाला जाता है नासिका सूचकांक, जो कि विभिन्न मानवीय प्रजातियों के वर्गीकरण का एक आधार है, ठीक है। तो ओके यहां दिया ही हुआ है नासिका सूचकांक कैसे निकाला जाता है, नासिका सूचकांक या नेजल इंडेक्स, नासिका की या नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई × 100, इस प्रकार से नासिका सूचकांक को निकाला जाता है। अब देखिए नाक की आकृति, जो पतली या लंबी नाक, जो जिनकी पतली या लंबी नाक होती है, तो सूचकांक उसका कितना होता है, 75% से कम, जैसे कॉकेशियन प्रजाति के लोग या यूरोपीय प्रजाति के लोग, ठीक है। तो पतली या लंबी नाक, इनका नासिका सूचकांक कितना है, 75% से कम होगा कॉकेशियन प्रजाति या यूरोपीय प्रजाति के लोग होते हैं,
मध्यम या चौड़ी नाक जो होती है इनका नासिका सूचकांक कितना होता है, 75 से 85% तक होता है, जैसे कि मंगोलाइड प्रजाति के लोग, और चपटी एवं चौड़ी नाक के लोग होते हैं जो, तो उनका नासिका सूचकांक होता है 85% से अधिक, जैसे कि निग्रोइड प्रजाति के लोग जिनके नथुने जो होते हैं वो बड़े होते हैं। चलिए इसके बाद है रक्त समूह। तो देखिए हालांकि जो मुख्य रूप से चार ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, प्रत्येक प्रजाति के लोगों में चारों ही ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिसर्च के द्वारा ऐसा पाया गया कि विशिष्ट प्रजाति में कोई भी, जैसे मंगोलाइड प्रजाति अगर है तो उस मंगोलाइड प्रजाति के अंदर किसी विशिष्ट ब्लड ग्रुप के लोग अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा रिसर्च में निकला है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो ये ब्लड ग्रुप का के आधार पर भी प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है मानवीय प्रजातियों का। देखिए मानव रक्त का वर्गीकरण जो है वो चार समूहों में किया जाता है, ठीक है, कौन कौन से, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप में वर्गीकरण किया जाता है मानव के ब्लड का, ठीक है। तो ये जो वर्गीकरण किया जाता है मानव के ब्लड का, ये कैसे किया जाता है, लाल अणुओं में पाए जाने वाले जो श्वेत और पीले तरल पदार्थ सीरम जो होता है, तो सीरम के आधार पर ये ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उसके मात्रा के आधार पर, है ना। तो हालांकि जितने ही मनुष्य होते हैं, जितनी मनुष्य की प्रजातियां हैं उनमें चारों रक्त समूह वाले लोग पाए जाते हैं, जैसे कि हम थोड़ी पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर जब तुलनात्मक दृष्टि से किसी प्रजाति में एक विशिष्ट रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुसंख्या में पाए जाते हैं, मतलब किसी विशिष्ट प्रजाति में, जैसे कि अगर हम कॉकेशस प्रजाति की बात करें तो उसमें किसी विशिष्ट ब्लड ग्रुप के लोगों की संख्या अधिक होगी, मंगोलाइड में किसी विशिष्ट ब्लड ग्रुप के लोगों की संख्या अधिक होगी, हालांकि उस हर प्रजाति में सभी ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, लेकिन एक विशिष्ट ब्लड ग्रुप की संख्या हर प्रजाति में क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, वो कैसे होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। और सामान्यतः पश्चिमी यूरोप के लोगों में, जो पश्चिमी यूरोप के जो पश्चिमी भाग है वहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसे, सामान्यतः उनमें ए रक्त समूह, मंगोलाइड में बी रक्त समूह, बी ब्लड ग्रुप समूह, तथा डिग्रेटो लोगों में ओ रक्त समूह सामान्यतः अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो ब्लड ग्रुप है, तो जैसे अमेरिकी इंडियन, जैसे कि अमेरिका में जो प्रजातियां हैं, अमेरिकी रेड इंडियन, अमेरिकी रेड इंडियन, ठीक है, तो उत्तरी अमेरिकी रेड इंडियन और दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियन जो प्रजातियां हैं, तो इसमें देखिए जो उत्तरी अमेरिकी रेड इंडियन प्रजाति है इसमें ए ब्लड ग्रुप के सिर्फ 7% लोग पाए जाते हैं, और दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियन जो प्रजाति है इसमें ए ब्लड ग्रुप के 1.5% लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियंस जो प्रजाति है इसमें बी ब्लड ग्रुप के लोग कैसे हैं, 0 हैं, एक भी बी ब्लड ग्रुप समूह का व्यक्ति दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियंस में नहीं पाया जाता, लेकिन वहीं उत्तरी अमेरिकी रेड इंडियंस में बी ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं वो 1.5% के लगभग पाए जाते हैं। अब ये दोनों ही अमेरिकी प्रजातियां जो हैं, उत्तरी अमेरिकी रेड इंडियन और दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियन, इन दोनों में ही जो ए बी ब्लड ग्रुप के लोग हैं वो कैसे हैं, 0 हैं, एक भी व्यक्ति इसमें ए बी ब्लड ग्रुप का नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो ओ रक्त समूह है, तो ओ रक्त समूह में उत्तरी अमेरिकी रेड इंडियन प्रजाति के 91.5% लोग पाए जाते हैं, और दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियन में के लोगों में 98.5% ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो आप एक चीज समझ पाए यहाँ पर कि जो रेड इंडियन प्रजाति है, चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी अमेरिकी रेड इंडियन प्रजाति हो, इनमें सबसे अधिक लोग किस ब्लड ग्रुप के पाए जा रहे हैं, ओ रक्त समूह के। तो यही बात की जा रही थी शुरुआत में कि रक्त समूह के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, हालांकि सभी रक्त समूह के लोग हर प्रजाति में पाए जाते हैं, लेकिन हर प्रजाति में एक विशिष्ट रक्त समूह की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, इनमें देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में ए रक्त समूह जो पाया जाता है वो 51.9% पाया जाता है, वहीं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनमें ए रक्त समूह की मात्रा बहुत कम है पश्चिमी की तुलना में, कितना है, 37.8% सिर्फ, और वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में बी रक्त समूह बिल्कुल नहीं पाया जाता और पूर्वी में 3.6% पाया जाता है। ए बी दोनों ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही मूल निवासियों में ए और बी ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं मिलता है,
और 41% पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और 58.6% पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियों में ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। ओके ठीक है, इसके बाद जो यूरोपीय लोग हैं, ठीक है, तो यूरोपीय में जो आंग्ल मतलब अंग्रेज, स्वीडिश, ग्रीस लोग और रशियन लोग, तो इनमें भी अलग अलग ब्लड ग्रुप के अलग अलग प्रजाति के आधार पर ब्लड ग्रुप अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। अंग्रेजों में ब्रिटिश लोगों की बात करें तो उसमें 42.4% लोग पाए जाते हैं ए ब्लड ग्रुप के, स्वीडिश में 49.9% पाए जाते हैं और ग्रीस में 46.0% पाए जाते हैं। रशियन में 34.0% पाए जाते हैं रशियन में ए ब्लड ग्रुप के समूह। तो आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि हर प्रजाति में किसी एक ब्लड ग्रुप की प्रधानता देखने को मिलती है, मतलब उस ब्लड ग्रुप के लोग उस प्रजाति में सबसे अधिक पाए जाते हैं या बहुसंख्यक होते हैं। हालांकि लगभग सभी प्रजातियों में सभी ब्लड ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी एक ब्लड ग्रुप की हर प्रजाति में प्रधानता देखने को हमको मिलती है या किसी एक ब्लड ग्रुप के लोग वहां पर बहुसंख्यक होते हैं। तो इसके आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। कल से हम पढ़ेंगे मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है उसको जानेंगे, श्वेत प्रजातियों एवं कॉकेशियन प्रजातियां क्या होती हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं है ना, तो उसको कल जहां तक इस टॉपिक खत्म कर लेंगे हम लोग। विश्व की प्रमुख प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं, क्या विशेषता है उनकी, सांस्कृतिक विशेषता भी क्या, इसको भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ भैया, डिसलाइक किसने किया था, कहाँ गए भैया? हाँ, नरेंद्र यादव, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया आपको तो बताइए, बस बात यह है कि आपको समझना ही नहीं है। ठीक है नरेंद्र यादव, समस्या ये है। दिवाकर शुभम, गुड इवनिंग ऋतु, बैक बेंचर। तो चलिए कल मिलते हैं, इस टॉपिक कवर करते हैं। बाकी सुबह मिलेंगे 10:30 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लास में। नए सिरे से शुरुआत होने वाली है आर्ट एंड कल्चर की कल, नितिन सिंघानिया जी की बुक के साथ। तो अब हम कवर करेंगे नितिन सिंघानिया की बुक को आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में सुबह 10:30 बजे। शाम को मिलेंगे कल ज्योग्राफी क्लास में 6 बजे, जहाँ इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। आशुतोष सिंह, आशुतोष क्या कमेंट करना है? नेहा, रविंद्र त्रिपाठी, अच्छा ओके, कौन है ये? एक मिनट रुकिए, हम हटते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया है ना, कहाँ गए, किसको समस्या थी, किसको नहीं दिख रहा था? जैस अंगू, ओके। हाँ, हमारा नाम दिवाकर है, बिल्कुल। कौन है? आशुतोष दिवाकर सिंह राणा।
तो आप आईडी फॉलो कर लीजिए भैया हमारी ऐप पर जाकर। आशुतोष कर दिया कमेंट हमने, बिल्कुल हो गया। चलिए नहीं नहीं कौन है नहीं मॉर्निंग में होगी 10:30 पे मॉर्निंग में होगी आर्ट एंड कल्चर की क्लास। ओके आशुतोष, चलिए कोई नहीं, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 10:30 बजे।